देखिए, निश्चित रूप से आप देख रहे हैं किस तरह से कोई भी निर्णय लिया जाता है, तो कोई ना कोई पक्ष जाकर के हाई कोर्ट में गुहार लगा देता है और उनकी बातों को की सुनवाई होती है। कई बार ऐसा लगता है कि हमारे जो अधिकारी जब कोई नीति बनाते हैं उस पर पूरी तरह से लगता है चर्चा नहीं करते हैं, तो उन सारी चीज़ों पर चर्चा हो रही, हम एक ऐसी नियोजन नीति देंगे जो कहीं ना कहीं आप लोग सवाल तो उठाते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी से तो कोई सवाल पूछ सकता नहीं है क्योंकि कभी मीडिया से मुखातिब होते नहीं हैं, तो जो देश में बेरोजगारी का बुरा हाल है उस पर कभी चर्चा होती नहीं है। निश्चित रूप से झारखंड एक समझिए छोटा राज्य है और जिस तरह से केंद्र सरकार का रवैया हमारे साथ है, आप देखते हैं किस तरह से हम लोगों का जो रॉयल्टी का पैसा है, GST का पैसा है, हमेशा केंद्र सरकार दबा कर बैठी रहती है। उसके कारण भी जो और रोजगार, अन्य रोजगार उत्पन्न हो सकते हैं वो नहीं हो पाता है। सरकारी जो नियुक्तियां थी, आपने देखा था 13,000 नियुक्तियां नियुक्तियों का रास्ता खोला गया था और उसमें बाद में माननीय उच्च न्यायालय ने अपनी अपना एक डिसीजन दिया है, तो उस पर हम लोग गंभीरता से विचार कर रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, जो मूलवासी हैं और आदिवासी हैं, उनको नियुक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी मिले, तो उस निमित्त हम लोग फिर से एक बार नियोजन नीति पर चर्चा करेंगे और ऐसी नीति बनाएंगे जिससे यहाँ के लोगों का भी भला हो। और एक बात सही है कि बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, वो बहुत ही दुखद है और हमें लगता है कि इस पर गंभीरता से राज्य सरकार को विचार करते हुए अविलंब, क्योंकि छात्रों के और युवाओं के भविष्य का सवाल है, तो इस पर हम भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। उस पर चर्चा करेंगे और पूरी गंभीरता के साथ कहेंगे कि जितना जल्दी हो सके नियोजन नीति स्पष्ट हो और यहाँ के लोगों को नौकरी मिले। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।